हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच राइम्स सीनियर के जी। तो राइम्स में हम राइम्स नंबर 9 द सन एंड द मून वो हम आज लर्न करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको गा के दिखाऊंगी, फिर आपको भी मेरे साथ साथ गाना है राइम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। The sun shines on us by a day, so we can grow in every way. The sun shines on us by a day, so we can grow in every way. Plants, animals and birds too need the sun as me and you. Plants, animals and birds too need the sun as me and you. The sun shine on us by a day, so we can grow in every way. Plants, animals and birds too need the sun as me and you. The sun shine on us by a day, so we can grow in every way. The moon shines silvery light. The moon shines bright with a silvery light. Oh, don't you think it a very pretty sight? Oh, don't you think it very pretty sight? The moon shines bright with a silvery light. The moon shines bright with a silvery light. Oh, don't you think it a very pretty sight? Oh, don't you think it very pretty sight? The sun shine on us by day, so we can grow in every way. तो बच्चों, हमने ये rhymes है वो मैंने आपको गा के दिखाया। आपने भी मेरे साथ साथ गाया होगा, आपको भी गाना भी है और सीखना भी है। तो ये राइम्स में क्या कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं वो सूरज है, वो उग रहा है सबसे पहले यहाँ पे। तो वो सूरज को कहते हैं कि ये सूरज है वो तो रोज रोज उगता है, शाइन करता है और हमें रोशनी भी तो देता है ना। तो वो हर दिन आता है और सारे प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स को उसकी जरूरत होती है और हमें भी उसकी जरूरत है। तो ये सन है वो हमें रोशनी भी देता है और हमारा जीने का सहारा है। फिर है मून। तो मून है वो रात में आता है और बहुत चमकता है। फिर विथ अ सिल्वरी लाइट, मतलब जो उसकी रोशनी कैसी होती है, सिल्वर कलर की, कैसी होती है, सिल्वर कलर की। और वो कहते हैं कि वो इतना प्रीटी दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है जो मून है वो। तो ये जो राइम्स है आपको लर्न भी करनी है, जैसे मैंने आपको गा के दिखाया वैसे आपको सीखना है अच्छे से। ओके बच्चों।